रेखा यादव, वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पॉट गुल्फी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। और देखते हैं इसमें क्या लगता है, कैसे बनता है। ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है 100 ग्राम, और ये मैंने कंडेंस मिल्क घर पर बनाया है। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो कंडेंस मिल्क के बारे में, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये 200 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, 2 टेबलस्पून काजू बादाम लिया है, 1 चुटकी केसर लिया है और 1 पॉट लिया है मैंने। इसमें हम गुल्फी जमाएंगे। अभी देखते कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें फ्रेश क्रीम निकाल लेंगे। मैंने क्रीम निकाल लिया, इसी में कंडेंस मिल्क डाल लेंगे। और कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप मिला लीजिए और आप इसको बनाते रहेंगे, तभी आप इसको चेक कर लीजिए आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, ये इसे हैंड ब्लेंडर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप मिला लीजिए, अच्छे से फेंट लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा काजू बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। और इसमें केसर भी डाल देंगे, थोड़ा सा रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, अच्छे से फेंट लीजिए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें कोई झंझट नहीं है, फटाफट बन जाता है। अभी हम इसको पॉट में निकाल लेंगे। अब इसको पॉट में हम डाल लेंगे। आप ऐसे करके सारे पॉट में डाल लीजिए, इसमें जितना बनेगा। ये मैंने पॉट में निकाल लिया है, आप ऐसे बाकी पॉट में डाल लीजिए और इसको फ्रीजर में रख दीजिए 6 से 7 घंटे के लिए, जब तक अच्छे से सेट ना हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। ये मैंने पहले से ही बना के रखा था और ये 6 से 7 घंटे रखा था मैंने फ्रीजर में, सेट हो गया है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे थोड़े से काजू बादाम से। और आप ठंडा ठंडा सर्व करिए इसे, और बहुत अच्छा था, खाने में टेस्टी है। इसको हम गार्निश कर लेंगे काजू बादाम से, और जो मैंने केसर रखा था उसे हम इसे गार्निश कर लेंगे। और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करिए। तो ये हमारा पॉट गुल्फी बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा वीडियो ऐसे आप देखते रहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।